मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी में करीब 1 करोड़ के स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। निर्माण लंबे समय से खींचने से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। रखरखाव के अभाव में भवन में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे प्रतीत होता है कि भवन निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और एजेंसी द्वारा मनमाने तरीके से निर्माण को पूरा कर दिया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य का आकलन और निगरानी करने वाले जिम्मेदारों की भूमिका भी कहीं ना कहीं लापरवाही को उजागर करता है। ग्रामीणों द्वारा जनसुनवाई में अधिकारियों को हाई स्कूल में हो रहे घटिया निर्माण और PIU विभाग की मिलीभगत की शिकायत की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण अब शीघ्र ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। इस मामले में SDM विशाल सिंह का कहना है कि MPRDC विभाग को पत्र लिखेंगे, साथ ही जांच दल बनकर स्कूल भवन की जाँच की जाएगी। जो भी जाँच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये PIU भवन बन रहा है करीब 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का, ग्राम चिंगली में काफी ज्यादा घटिया निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों ने पूर्व में भी शिकायत की थी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? आपके द्वारा ये मामला मेरे नॉलेज में लाया गया है, मैं जिला स्तर पर भी सूचना देता हूँ और यहाँ पर भी हम लोग दल बना के उसकी जाँच करवाते हैं। रायसेन सिलवान से DNA आशीष पांडे की रिपोर्ट। राजस्व बहुत ही बड़ा विभाग है और इसमें जमीन से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति को काम पड़ता है। हमने पहली बार, मैं समझता हूँ पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ हमने राजस्व की अलग से लोक अदालतें लगाईं। उससे करीब 1,50,000 प्रकरण एक दिन में निपटे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राजस्व की अलग से अदालतें नहीं होती थी, तो राजस्व की लोक अदालत लगाने से हमें लोगों को बहुत फायदा हुआ। जो 10-10, 15-15 साल वाले प्रकरण थे वो निपटे लोगों के और लोगों को सुविधा हुई। पटवारियों के लिए हमने, पटवारियों की बेसिक थी कमी थी तो पटवारियों के लिए हमने 10,000 पद निकाले और अब करीब करीब हमारे हर हलके पर पटवारी होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले एक एक पटवारी कम से कम 4-4, 5-5 हलकों के चार्ज में होता था, तो पटवारियों के लिए हमने व्यवस्था की है। आने वाले समय में हमारे प्रत्येक हलके पटवारी होगा। एक बहुत बड़ी परेशानी जो लोगों को होती थी कि पटवारी उनको इजी उपलब्ध नहीं होते थे। पटवारी का कोई मुख्यालय नहीं होता है, उसका बस्ता उसकी पीठ पर रहता था। तो हमने पटवारियों के लिए निर्देशित किया कि पटवारी हफ्ते में 2 बार आवश्यक रूप से अपने हलके की पंचायत में या किसी मुख्यालय में बैठेंगे। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारे पटवारी अब हफ्ते में 2 बार बैठा उन्होंने शुरू कर दिया है। हमने सीमांकन के प्रकरण बहुत लंबित होते थे, तो सीमांकन को सरल किया है। अब सीमांकन हम निजी एजेंसियों को दिया है कि निजी एजेंसी भी सीमांकन करेंगी। अमला हमारा होगा लेकिन उसमें लोगों को सहूलियत होगी, ये व्यवस्था भी हमने की है। डायवर्सन को लेकर हम सब लोग जानते हैं कि डायवर्सन में बहुत परेशानी होती थी। अब डायवर्सन घर बैठे आदमी ऑनलाइन डायवर्सन कर सकता है। जो पटवारी हैं उनको ई बस्ता देने वाले पटवारी अब मॉडर्न लैपटॉप लेके चलेंगे, तो आज के युग के साथ हम अपने पटवारियों को बनाना चाहते हैं।